Yes, so hey class 10th, again I'm your Nandini ma'am and we are going to start off with question number 9 of exercise 6.5. Yes, chaliye. A ladder 10 meter long reaches a window above the ground which is situated at 8 meters, right? Dekhiye, sabse pehle hum ground bana lete hain, sabse easy hai ground banana, right? Ye humne bana liya ground, ye hamari wall thi aur yahan pe hamari window hai. Window aur ground ke beech mein distance kitna hai? 8 meters. Clear? अब हमने एक लैडर रखी है, लैडर इज ओवर हियर, राइट? सो ये लैडर आ रही है, तो नेचुरली यहाँ पॉइंट आपका ये जो है दिस इज गिवन टू बी 10 मीटर, ठीक है? सीढ़ी हमेशा टेढ़ी आती है ना, और ऑब्वियसली जो दीवार और ग्राउंड है दे विल मेक अ 90 डिग्री का एंगल, एंड व्हाट दे आर सेइंग, दे आर आस्किंग अस फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल. मतलब ये जो पॉइंट बी है ये पॉइंट ए से कितनी दूर है. So that means we have to calculate AB. Okay, Tanisha, अब इस right angle triangle में AB क्या form कर रहा है? Yes, AB क्या है इस right angle triangle में? This question is really easy. Yes, क्या है? एक बार दोबारा बोलो बेटा. Base. Very good. It is base. Yes, and this ladder ये क्या बना रहा है? Ladder क्या बना रहा है? Hypotenuse. Hypotenuse. Very good, very good. And what about the window length? जो window की हमें height दी गई है, this will be accounted as perpendicular, right? Now we have everything. अब मैंने आपको बताया ना, जब भी आपको कोई equation दी होती है, उसमें से just एक को छोड़ के बाकी चीजें दे देंगे, right? So इसमें उन्होंने वही किया है, आपको hypotenuse given कर दिया, then perpendicular भी given है, but they are asking us to calculate the base actually. थोड़ा सा twist करके पूछा है, लेकिन हमने calculate base करना है. So by applying Pythagoras theorem, we have BC square is equal to AB square, right? Plus AC square, right? Clear? Okay. So now BC is 10, right? ये तो हम फटाफट calculate कर सकते हैं तनिषा, फटाफट करो. Yes, Sheetal, hurry up, beta. 10 का square is? Yes. 100. 100. And what about 8 का square? मैं straight away यहाँ लेके जा रही हूँ क्योंकि ये minus होगा. Yes. क्या होगा एट? अरे एट एट का 64 हाँ की कर दो तुसी. हाँ जी डिफरेंस क्या आएगा? यस व्हाट विल बी द डिफरेंस? 36 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. अब मुझे बताओ 36 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है परफेक्ट स्क्वायर? 6. यस, तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. तो इसको तो हम कैंसिल आउट ही कर देते हैं, दैट मीन्स ए बी इज कमिंग आउट टू बी 6. अब यहाँ पे गलती कहाँ होगी, हम यूनिट नहीं लगा के आएंगे, सो हमारा हाफ मार्क कट जाएगा वहां पे. ऑलवेज प्लेस इन यूनिट. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज डन. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी तरह से होना है ये क्वेश्चन, सेम वे, थोड़ा सा ऑब्वियसली डिफरेंट है. क्या है डिफरेंस, देखते हैं क्या करते हैं. चलो जी, अब फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव अ थोरो लुक एट आवर क्वेश्चन. A guy wire attached to a vertical pole of height. सबसे पहले तो देखो, एक वर्टिकल बॉल बना लेते हैं, ठीक है जी. अब ऑब्वियसली जो आप तार लगाओगे वो नेचुरली क्या होगा, वो थोड़ी सी स्लांट में आएगी, राइट? अब स्लांट है और साथ में वो पूछ रहे हैं कि टॉट रहनी चाहिए, ढीली मिली नहीं होनी चाहिए. तो हमें यहाँ से हम कितनी दूर लगाएं कि भाई ये तार बिल्कुल खिंची हुई लगे, राइट? तो हम इसको मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, राइट? और इसको मान लेते हैं सी. अब नेचुरल सी बात है, वर्टिकल वॉल है तो एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री. वॉल की हाइट हमें दे दी 18 मीटर्स, राइट? वायर की लेंथ हमें दी है 24 मीटर्स. अब वी हैव टू कैलकुलेट. यस, क्या कैलकुलेट करना है हमने? अरे व्हाट इज बेस? बेस, वेरी गुड. हमें क्या कैलकुलेट करना है? बेस, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो वी नीड टू कैलकुलेट द बेस. नाउ कैलकुलेट द बेस. यस, आई एम वेटिंग. मैम योर वॉइस. हरी आप. यस, सो यस, वी हैव टू कैलकुलेट बेस. सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, राइट? एसी इज हाइपोटेन्यूज, एबी इज परपेंडिकुलर एंड बीसी इज आवर बेस. सो बाय डूइंग द कैलकुलेशंस आई हैव गॉट बीसी इज इक्वल टू √252. Now, as we know, 252 is not a perfect square, so the value is coming out to be 6√7 meters. So, जो हमारी जो आपको एक nail लगाना चाहिए, वो कितनी दूर लगाओगे? 6 to the power 7, sorry,
6 root 7 meters, not par. Okay. So question number 10 is done. Now we are going to do question number 11. अब 11 question जो है ना, it is very easy. Although इसमें हमें क्या करना है, we have to apply like क्या बोलते हैं, Pythagoras theorem only. लेकिन थोड़ा सा इसमें physics लगानी पड़ती है. Physics लगाने के चक्कर में ना ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है. लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, this question is really, really, really easy. Okay, अब देखिए क्या, पहले तो question समझ लो क्या है. An aeroplane leaves an airport and flies due north. ठीक है, north की तरफ जा रहा है. At a speed of 1000 किलोमीटर पर आवर एक एरोप्लेन चला और वो नॉर्थ की तरफ मूव करने लग गया और उसकी स्पीड थी 1000 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, उसी टाइम पे, एग्जैक्टली उसी टाइम पे एक और एरोप्लेन जो था उसने एयरपोर्ट को लीव किया, सेम एयरपोर्ट को लीव किया और वो वेस्ट की तरफ जाने लग गया और उसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर. अब वी हैव टू कैलकुलेट कि आफ्टर अबाउट 1.5 आवर, सॉरी दिस इज 1.5 आवर, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन. 1.5 आवर के बाद ये दोनों प्लेन्स कितनी दूर होंगे? यस, तो मैं आपको एक बार इसको फिगर बना के बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन करना कैसे है. अब देखो बेटा, हमारा एरोप्लेन जो एक एयरपोर्ट है हम उसको मान लेते हैं, दैट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ दिस कार्डिनल प्लेन, क्योंकि हमें डायरेक्शन चाहिए, राइट? ये डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ, हमें मालूम है. ये डायरेक्शन क्या है? साउथ, राइट? ये डायरेक्शन होती है ईस्ट और ये डायरेक्शन होती है वेस्ट. क्लियर हो गया? यस, यस मैम. पहला जो प्लेन है वो चला नॉर्थ की तरफ, ठीक है बेटा? अब वो जा रहा है नॉर्थ की तरफ, इसका मतलब जो फर्स्ट प्लेन जाएगा इसको नाम दे दिया ओ. अब फर्स्ट जो प्लेन जा रहा है वो इधर जा रहा है, ये पॉइंट आ गया ए. अभी हम बताएंगे क्योंकि हमें ये डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स. अब इसी टाइम पे यहाँ से ही ये एयरपोर्ट है आपका, एक और प्लेन चला लेकिन वो वेस्ट जा रहा है, तो वो मान लेते हैं यहाँ गया और हम उसे नाम दे देते हैं बी. अब पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ओ ए और ओ बी, और हमें फाइंड आउट पता है क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट दिस, राइट? अब देखो थोड़ा 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 आइडिया पता चल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगनी है, राइट? वर्टिकल लाइंस है, परपेंडिकुलर अलाइनमेंट है, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगानी पड़ेगी. अब ए भी हमारा बना भी क्या रहा है? हाइपोटेन्यूज. बट उसके लिए वी नीड टू हैव परपेंडिकुलर, वी नीड टू हैव बेस. अब आप ध्यान से सुनो, ये हमने कैसे कैलकुलेट करना है. देखो, हमें पहले हम एरोप्लेन ए का कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट? एरोप्लेन ए का हमें स्पीड गिवन है. स्पीड क्या है बेटा? इट इज 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? हमें टाइम गिवन है कि वो 1.5 आवर्स जो है वो चल रहा है, ठीक है? 1.5 आवर को हम कर देते हैं 3/2 आवर्स, ठीक है? अब फिजिक्स के हिसाब से स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? अब हमें चाहिए क्या है? हमें तो डिस्टेंस चाहिए, राइट? So, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम टाइम को ले जाते हैं इधर और वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, राइट? सो डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन ए विल बी इक्वल टू स्पीड, जो उसकी स्पीड है, इनटू जो उसने टाइम वहां पे लगाया, ठीक है? क्योंकि हमें 1.5 आवर के पूछा है, 1.5 आवर के बाद पूछा है ना कि प्लेन्स कितनी दूर होंगे. सो ये हमने कटिंग कर ली एंड आई एम गेटिंग डिस्टेंस जो आ रहा है इज कमिंग आउट टू बी 1500 किलोमीटर, राइट? हम यहाँ लिख लेते हैं 1500 किलोमीटर. अब OA आ गया, राइट? अब सिमिलरली हम OB कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट? अब मैं स्ट्रेट अवे कर रही हूँ, आई एम नॉट अप्लाइंग फॉर्मूला, राइट? अब आप, लेकिन जब नोटबुक में करोगे तो यू हैव टू अप्लाई, ठीक है? आपने शो करना है. सो डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन बी विल बी इक्वल टू, उसकी स्पीड कितनी है बेटा? 1200, राइट? इनटू टाइमिंग उसका सेम है, 3/2, so this getting cancelled, right? तो ये कितना आ रहा है? 1800 किलोमीटर्स, right? तो ये OB कितना आ गया बेटा? It is coming out to be 1800 किलोमीटर, clear? अब what we need to calculate? We need to calculate this AB. So AB is forming hypotenuse, so you have to apply the Pythagoras theorem, right? Yes. तो हमने जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, एज यू हैव गिवन मी द कैलकुलेशंस, तो ए बी स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 549 क्वार्टर जीरोस
then AB is under root of this. So I have done the factorization, which is 61 into 9, or we can say 3 into 3 into 100 into 100. So हमने जो pairs हैं, perfect pairs हैं, उसमें से one we have taken out. जैसे कि out of the pair of 100, we have taken only 100 outside, and out of the pair of 3, we have taken only 13 outside. So it becomes 300 into root 61 kilometers. So हमारे जो aeroplanes हैं, aeroplane A and aeroplane B, ये आपके 300 root 61 kilometers दूर हैं. Clear होगी बात? Yes. Yes, ma'am. Okay.